ये उन दिनों की बात है जब बॉबी देओल एनिमल के अबरार नहीं थे, न उनकी एंट्री पर जमाल कुडूई बजता था। उनका नाम उन दिनों था राज मल्होत्रा और फिल्म थी अजनबी, जिसमें बॉबी भैया विकी बजाज उर्फ अक्षय कुमार से दोस्ती के चक्कर में धोखा खा गए थे। लेकिन चूंकि तब वो हीरो हुआ करते थे तो आखिरी बाजी उन्होंने ही मारी कंप्यूटर का सबसे फेमस पासवर्ड डालकर। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर अचानक दार्शनिक हो जाते हैं और विकी का पूरा जीवन दर्शन वो एक मिनट में समझ लेते हैं। बॉबी की उंगलियां लहराई तब कंप्यूटर की स्क्रीन दर्शकों की तरफ घूमी, सामने लिखा था एवरीथिंग इज प्लान। बस फिर क्या, इस पासवर्ड ने किया विकी का खेल ओवर और अपना सोल्जर फिर एक बार मीठी बातें बोलकर हीरोइन का दिल चुरा कर ले गया। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है विकी बजाज के गुरु की, वो गुरु जो 2500 साल पहले पैदा हुए, एवरीथिंग इज प्लान का दर्शन दिया लेकिन फिर गायब हो गए, जबकि उनके समकालीन बुद्ध और महावीर का दर्शन बड़े बड़े धर्मों में तब्दील हुआ। हम बात कर रहे हैं आजीविकों की, कौन थे ये चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आजीविक या आजीवक, ये नाम है उस संप्रदाय या उस पंथ का जो ईसा से 500 साल पहले से 14वीं सदी तक भारत में मौजूद था। हम संप्रदाय कह रहे हैं लेकिन आजीविक एक धर्म का भी नाम हो सकता था, क्योंकि ये वो लोग थे जो बौद्ध और जैन धर्म के कॉम्पिटिटर्स थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसा आजीविकों के बारे में कहा गया है। बौद्ध जातक कथाओं में एक कहानी है, एक बार एक व्यापारी पानी के जहाज से यात्रा कर रहा था, तूफान आया, जहाज टूटा, जैसे तैसे व्यापारी किनारे लग पाया। उसकी हालत खराब थी, कपड़े फट गए थे, लोगों ने उस पर दया कर उसे आसरा दिया, खाना पीना दिया। कुछ दिन जब ऐसा ही चलता रहा, व्यापारी को एहसास हुआ कि ये तो बढ़िया है, कहाँ व्यापार में मेहनत कर रहा था, इससे बेहतर तरीका तो यह है कि भिक्षु बन जाओ। तब से वो व्यापारी भिक्षु बन गया और दूसरों को भी यही सिखाने लगा। इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि ऐसा भिक्षु असल में व्यापारी ही है, बस व्यापार का उसने नया तरीका निकाल लिया। बौद्ध धर्म को मानने वाले यही बात आजीविकों के लिए कहते आते थे, कहते थे कि ये लोग असल में प्रोफेशनल भिक्षु हैं। आजीविक शब्द का भी यही अर्थ होता है, आजीविक यानी प्रोफेशनल। जैसा पहले हमने बताया, चूंकि आजीविक संप्रदाय बौद्ध और जैन संप्रदाय का समकालीन था, इसलिए इनके बारे में बौद्ध और जैन ग्रंथों में काफी लिखा गया है, और लिखा जो गया है उसमें अधिकतर आपको मिलती है आलोचना। मसलन एक जगह स्वयं गौतम बुद्ध ने आजीविक दर्शन को सबसे खराब दर्शन बता दिया है। एक दूसरी जगह महावीर भी आजीविकों की आलोचना ही करते हैं। जैनों और बौद्धों ने आजीविकों की आलोचना क्यों की, इसके लिए बताना जरूरी है कि उनका दर्शन था क्या। लेकिन उससे भी पहले जानते हैं आजीविकों की शुरुआत कैसे हुई। चूंकि आजीविकों का नाम निशान मिटा दिया गया, उनके ग्रंथ भी नहीं बचे, इसलिए जो कुछ पता है वो बौद्ध और जैन सोर्सेस से ही मालूम है। और जैसा हमने बता दिया, उनमें ज्यादातर आपको आलोचना मिलती है। माना जाता है कि मखली गोसाल इस संप्रदाय के लीडर हुए। जैन सोर्सेस के अनुसार मखली गोसाल महावीर के ही शिष्य थे। किसी बात पर उनका महावीर से मतभेद हुआ, जिसके चलते उन्होंने एक नया संप्रदाय शुरू किया। हालांकि कई जगह ये भी मेंशन किया गया है कि मखली गोसाल ने इस पंथ की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि वो आजीविकों के सबसे बड़े गुट के लीडर थे। मखली गोसाल उत्तर भारत में ठीक उसी समय विचर रहे थे जब महावीर और बुद्ध एक्टिव थे। ये तीनों संप्रदाय नास्तिकों के थे। नास्तिक यानी वो जो वेदों पर विश्वास नहीं करते। कौशल और श्रावस्ती में आजीविकों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इनका असर कितना था ये इससे पता चलता है कि मौर्य काल के शीर्ष में आजीविकों का प्रभुत्व काफी ज्यादा था। इतिहासकार आर्थर बैशम के अनुसार बिंदुसार ने आजीविकों को संरक्षण दिया हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार एक बार एक आजीविक भिक्षु बिंदुसार के दरबार में आया था और उसने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। खुद अशोक के समय में आजीविकों को काफी संरक्षण मिला और इसके सबूत भी मिलते हैं। बिहार के मखदूमपुर इलाके में 12 बर की गुफाएं हैं। ये गुफाएं अजंता एलोरा से भी पहले की हैं। इन्हें बनाया गया था 322 ईसा पूर्व में। इन गुफाओं में मिले अभिलेखों से मौर्य काल के बारे में काफी कुछ मालूम चलता है। मसलन एक गुफा में ब्राह्मी भाषा का एक अभिलेख है जो कहता है कि ये गुफाएं सम्राट अशोक ने आजीविकों को दान में दी थी। सम्राट अशोक के काल में आजीविक काफी फले और फूले।
अशोक के पोते और चौथे मौर्य सम्राट के समय में भी आजीविकों को काफी दान दक्षिणा मिलती रही। कई सोर्स ये भी बताते हैं कि आजीविकों की संख्या तब जैन अनुयायियों से भी ज्यादा थी। यहां सवाल उठना लाजमी है कि फिर आजीविकों का हुआ क्या, ये पंथ लुप्त क्यों और कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब छुपा है आजीविक दर्शन में ही। आजीविकों का मानना था एवरीथिंग इज प्लान्ड। इस दर्शन को कहते हैं नियतिवाद, अंग्रेजी वाले डिटर्मिनिज्म का नाम देते हैं। आजीविक मानते थे कि जिंदगी ऊन का गोला है, धागा निकलता जा रहा है, लेकिन धागा कैसा होगा ये पहले से तय है, इसको आप बदल नहीं सकते चाहे आप जो कर लें। अब इस दर्शन से साफ पता चलता है बाकियों को दिक्कत ही हुई होगी। दूसरी तरफ कर्म फल का सिद्धांत है जो कहता है कि कर्म करने में आप फ्री हो, फल उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, नहीं होगा अगर आपसे अच्छा काम तो आपको अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। अंग्रेजी में इसे फ्री विल कहते हैं, यानी आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। जबकि आजीविक कह रहे थे जो करना है कर लो, होई सो जो राम रचि राखा। इस चक्कर में जैन और बौद्ध धर्म की आजीविकों से खूब बहस हुई। जैन टेक्स्ट में महावीर की एक आजीविक से बहस का भी जिक्र मिलता है। आजीविक दर्शन मानने वाले कुम्हार से महावीर कहते हैं, मान लो तुम्हारा घड़ा कोई चोरी कर ले गया, क्या करोगे? कुम्हार जवाब देता है कि पकड़कर मारूंगा चोर को। अब इसके जवाब में महावीर कहते हैं कि मारोगे क्यों उसको, चोरी करना तो पहले से नियत है तुम्हारे मान्यता के हिसाब से। इस तरह महावीर ये बहस जीत जाते हैं। आजीविकों के बारे में बौद्ध ग्रंथों में ये मेंशन किया गया है कि वो पाप पुण्य स्वर्ग नर्क किसी चीज में विश्वास नहीं रखते थे। इसके बावजूद वो भिक्षा मांगते हुए जगह जगह घूमते थे और कठोर अनुशासन का पालन भी करते थे, तप करते थे। यही उनकी आलोचना का मुख्य कारण भी है। बौद्धों और जैनों ने बार बार ये सवाल उठाया कि अगर तुम कुछ मानते नहीं तो ये सब तप व्रत क्यों? बौद्धों और जैनों ने उनकी आलोचना में ये तक लिखा है कि पक्का ये लोग चोरी से भरपेट खाना खाते होंगे और लोगों के सामने दिखावा करते होंगे। बौद्धों और जैनों की आलोचना गलत भी नहीं लगती। अगर सब कुछ नियत ही है तो कोई कुछ करेगा ही क्यों, या फिर कोई कुछ कंस्ट्रक्टिव क्यों करना चाहेगा? यहाँ वैसे समझना जरूरी भी है कि नियतिवाद इतना सिंपल भी नहीं है, या बड़ा सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो हमको अभी तक समझ में आ रही है वैसा तो नहीं है। पश्चिम में इस दर्शन को डिटर्मिनिज्म कहा जाता है और आधुनिक समय में डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों ने डिटर्मिनिज्म की विवेचना की है। तो ये बात कहना कि आजीविक फालतू बात कह रहे थे पूरी तरह से सही नहीं है। मसलन महावीर वाली कहानी में वो कुम्हार जवाब दे सकता था, और अगर वो पक्का आजीविक दार्शनिक होता तो देता भी। वो कह सकता था कि जैसे चोरी करना चोर की नियति है, वैसे उसे मारना मेरी नियति है। आजीविक कठोर डिसिप्लिन क्यों फॉलो करते हैं इस पर भी उनका यही जवाब होता कि ऐसा करना उनकी नियति है। उनके लॉजिक से जाएंगे तो हम किसी को सही या गलत नहीं कह रहे हैं। बाकायदा नियतिवाद आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी एकदम लॉजिकल है। माने अगर हम आत्मा ईश्वर जैसी चीज़ों को परे रख दें तो हर चीज़ प्रकृति के नियम से ही चलती है। हमारा शरीर करोड़ों अणुओं से बना है। अगर हमारे पास एक ऐसी मशीन हो जो तमाम नियमों से मिलकर एकदम सटीक गणना कर ले कि हर अणु पर क्या असर होगा, तो ये पता लगाया जा सकता है कि इंसान क्या करेगा इन थ्योरी। उदाहरण के लिए अगर हवा बल जैसे तमाम फैक्टर्स की हम एकदम सटीक गणना कर पाएं तो पता कर सकते हैं कि कॉइन टॉस करने पर किस तरफ वो गिरेगा। थ्योरी में, थ्योरी की बात हो रही है ये। रोहित शर्मा फिर चाहे तो हर बार टॉस जीत भी सकते हैं। बहरहाल डिटर्मिनिज्म कोई आखिरी दर्शन भी नहीं है, इसके विरोध में कई विचार हैं। मसलन केओस थ्योरी और क्वांटम डायनेमिक्स की माने तो सारे वेरिएबल कैलकुलेट करने के बाद में भी अंत में कुछ ना कुछ रैंडम बचेगा, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि नियतिवाद एक फेल्ड विचार है। इस पर आज भी बहस जारी है। इस बहस को हम एक वीडियो में तो कवर कर नहीं सकते, इसलिए चलिए चलते हैं एक दूसरे जरूरी सवाल की तरफ कि आजीविक लुप्त क्यों हुए। एक लाइन का जवाब तो यही है कि यही उनकी नियति थी, कम से कम आजीविक लॉजिक के हिसाब से तो यही कहा जाएगा। लेकिन सीरियस उत्तर यह है कि मौर्य काल में ही आजीविकों की संख्या में कमी आना शुरू हो गई थी। अशोक के जीवन पर लिखे ग्रंथ अशोक अवदनम के अनुसार पुंडवर्धन नाम के एक नगर में एक भिक्षु बुद्ध का एक चित्र लेकर घूम रहा था। अशोक को खबर मिली कि चित्र में बुद्ध को किसी के कदमों में गिरता दिखाया गया है। अशोक को बताया गया कि भिक्षु आजीविक है। इससे अशोक इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने पुंडवर्धन के सभी आजीविकों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। बुद्ध के अनुयायी हैं ये। इस घटना में 18,000 आजीविक मारे गए। इसके बाद आजीविकों की संख्या में लगातार कमी ही आती गई और मौर्य काल के अंत तक उत्तर भारत में गिनती के ही आजीविक
रह गए। इसके बाद आजीविकों का जिक्र दक्षिण भारत में भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने दक्षिण में शरण ली थी। यहाँ से भी 1400 ईस्वी में उनका पूरी तरह खात्मा हो गया, उनके तमाम ग्रंथ भी जला दिए गए। बाराबर की जिस गुफा का हमने जिक्र किया, वहाँ भी पता चलता है कि आजीविक शब्द को मिटाने की कोशिश की गई और गुफाओं पर बौद्ध अनुयायियों का कब्जा हुआ। इसके बाद आजीविकों का नामो निशान सिर्फ बौद्ध और जैन ग्रंथों तक सीमित रह गया, जहाँ उनकी आलोचना आपको मिलती है। प्राइमरीली आजीविक आज भी हालांकि प्रासंगिक हैं, क्योंकि इससे हमें एक पंथ और समुदाय के जीवन काल का पता चलता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि भारतीय दर्शन कितना रिच था, उसमें कितनी वैरायटी थी। सही गलत की बात यहाँ पे हो नहीं रही है, वैरायटी की बात हो रही है। इसी के साथ तारिक का ये शानदार एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। अब देखते रहिए दी ललन टॉक।